हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कृषि क्लासेस। आज हमारे साथ हैं राज करण आजमगढ़ से हैं, और जो PSL अपलोड हुई है प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट 31 अक्टूबर को, उसमें राज का नाम है। हम राज से कुछ बातें करेंगे, उनके कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। राज करण, आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर फॉर कमिंग इन टू द PSL। तो राज, हम आपका जो एक्सपीरियंस रहा, चाहे वो रिटन एग्ज़ाम का हो चाहे फेस टू का, कुछ हम बातें करेंगे उसके बारे में, कुछ आपसे हम जानने की और सीखने की कोशिश करेंगे, और आई एम श्योर हमारे जो ऑडियंस है वो भी आपसे कुछ सीखेंगे, कुछ टिप्स लेंगे, कुछ नई स्ट्रेटजी, कुछ आपके एक्सपीरियंस से कुछ पक्का कुछ ना कुछ गेन करेंगे। जी सर। तो राज, हम बात शुरू करते हैं आपके पहले एजुकेशन से, 12th क्लास से। तो जैसे कि आपने मुझे बताया, आपका 12th लास्ट ईयर हुआ जी सर, 2018 में जी। और आप ऑब्वियसली PCM साइड से होंगे, राइट जी सर। कौन से बोर्ड से पढ़ाई की आपने? सर, यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड से पढ़ाई की सर। आपकी पढ़ाई आजमगढ़ से हुई है? हाँ सर, आजमगढ़ से। आजमगढ़ में आपके स्कूल का क्या नाम था? सर, केशव विद्यापीठ महकुतपुर आजमगढ़। ओके, तो आपकी पूरी स्कूलिंग एक ही स्कूल में हुई है, उसी स्कूल से? नहीं सर, मतलब फिफ्थ तक दूसरे स्कूल में पढ़े, फिर इसके बाद फिफ्थ से ट्वेल्थ तक एक ही स्कूल में पढ़े। ओके, बीपी में। ओके, ट्वेल्थ में कितने परसेंट स्कोर किया आपने? सर, 77.25 स्कोर किया आपने। और PCM में कितने थे, याद है आपको? PCM सर उसका 80% हो रहा था। 80% हो रहा था जी सर, 80। राइट। और आपने ट्वेल्थ के बाद मतलब यहाँ पे जब आए आप, कब आए आप एग्जैक्टली, कब आए यहाँ पे? 2018 नवंबर में सर। आप नवंबर में आए, मतलब जो सितंबर में एग्जाम हुआ वो अटेम्प्ट किया था आपने? जी सर, उसमें हमने अटेम्प्ट किया। वो अटेम्प्ट किया था आपने? कैसा रिजल्ट रहा था उसका? सर, उसमें ठीक था, बस फिजिक्स में पहली बार था तो कुछ फिजिक्स का मतलब समझ में आया नहीं कि न्यूमेरिकल आएगा या थ्योरेटिकल आएगा। ओके। और सर ऑब्वियसली हम लोग मतलब जब ट्वेल्थ में पढ़ते हैं तो हमारा न्यूमेरिकल ज्यादा मतलब पोर्शन ठीक ठाक होता है, क्योंकि बोर्ड में न्यूमेरिकल आते हैं। राइट। क्योंकि सर एयरफोर्स में ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल आता है, सर उस समय हम समझ नहीं पाए कि मतलब कैसा आएगा, तो गए वैसे ही सिंपल मतलब देने। फिजिक्स में 2 नंबर सर कम हो गया था, और टोटल मतलब दोनों ठीक थे, मैथ और इंग्लिश। ओके जी सर। तो फिजिक्स में रह गए थे आप? जी सर। तो उसके बाद सितंबर में एग्जाम हुआ, फिर आपने नवंबर में मेजर कृषि क्लासेस ज्वाइन किया। जी सर। तो आप ग्रेजुएशन भी आपने एडमिशन लिया था या फिर सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे थे आप? नहीं सर, ग्रेजुएशन में 12th के बाद लिया था, फर्स्ट ईयर मेरा मतलब कंप्लीट हो गया। अच्छा जी सर। और अभी आप सेकंड ईयर में? जी सर, सेकंड ईयर। आई सी। तो आपका जो एजुकेशन है ये तो अब कैरी ऑन होगा नहीं मेरे ख्याल से, अब आप ज्वाइन कर लेंगे तो इस पर ब्रेक लग जाएगा। सर, ब्रेक अब अगली साल होता है। तो आप सेकंड ईयर का पेपर नेक्स्ट ईयर जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर सेकंड ईयर अटेम्प्ट करेंगे। आई सी। आपने अपने कॉलेज में इन्फॉर्म किया, कहाँ से कर रहे हैं आप ग्रेजुएशन? सर वहीं से, आजमगढ़ से। आजमगढ़ के किसी कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं? तो आपका रेगुलर नहीं होगा, आई गेस आप तो यहाँ थे है ना, मेजर तो रेगुलर नहीं है आपका? राइट। तो राजकरण, आपका जो एग्ज़ाम मतलब सितंबर में दिया आपने, आप नवंबर में यहाँ आ गए, फिर आपने मार्च में एग्ज़ाम दिया, कितने मार्क्स स्कोर किए आपने? सर मार्च में 43 मार्क्स। 43 मार्क्स आए आपके? जी सर, एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप में। और इस बार जो PSL में जो कट ऑफ गई है वो है 37.75। जी सर। यानी आप उससे काफी ऊपर हैं, लगभग 5 मार्क्स से ज्यादा ऊपर हैं आप। यस सर। तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप मेरिट आउट हो, यू आर क्वाइट सेफ। अच्छा स्कोर है आपका एक्स ग्रुप में। और इस बार जो एग्जाम हो सितंबर में? यस सर, ये भी काफी अच्छा गया, मतलब अब की बार तो मार्क्स शो नहीं कर रहे हैं लेकिन काफी अच्छा गया। तो ये भी आपने क्लियर कर लिया है? हमने शॉर्ट लिस्टेड है, ये शॉर्ट लिस्टेड है। कब है आपका फेस टू? 7 नवंबर को है सर, गुवाहाटी में। 7 नवंबर को? जी सर। अभी मतलब हार्डली 6-7 days टू गो, राइट? यस सर, बस। राइट। तो कहाँ है आपका? गुवाहाटी? यस सर, गुवाहाटी। यस सर। तो आप मुझे बता रहे थे आप कल जा रहे हैं, घर जा रहे हैं? यस सर, छठ पूजा में, छठ पूजा के लिए घर जा रहे हैं। काफ़ी घर वाले परेशान हैं। तो अभी आप आज तक GDSAT की क्लास कर रहे थे? यस सर। अब कल आप घर निकल लेंगे और उसके बाद वहाँ से गुवाहाटी चले जाएंगे, राइट? जी सर। 7 नवंबर काफी आपका पहला ही, मेरे ख्याल 7 नवंबर को ही शुरू हो रहा है। सर पहला ही शुरू हो रहा है, गुवाहाटी से शुरू होता है और 7 नवंबर को सर पहला। अच्छा, पहला ही आपका बैच होगा, चलिए अच्छी बात है। इस बार तो मार्क्स शो नहीं किए इन्होंने? नहीं सर। और मुझे लगता है कि इस बार का जो अटेम्प्ट है आपका बिल्कुल फेज टू में जाइए, लेकिन उसकी कोई नीड है नहीं वैसे। जी सर। आप जिन भाई जनवरी योर ट्रेनिंग विल स्टार्ट, बट अब फेज टू में जाइए, एक्सपीरियंस एक बार होके आइए, गुवाहाटी दोबारा घूम के आइए। लास्ट ईयर कहाँ था आपका फेज टू लास्ट टाइम, मतलब मार्च वाले? कोलकाता में सर हुआ था, 11 मई को कोलकाता में। तो पिछली बार कलकत्ता तक गए, अब कलकत्ता से बाद आगे बढ़ेंगे, गुवाहाटी जाएंगे। जी सर। वेरी गुड। तो राज, हम बात करेंगे आपके रिटन एग्जाम की, पिछले वाले एग्जाम की। यस सर। मतलब आपका जो भी पोर्शन रहा मैथ्स का, फिजिक्स का, इंग्लिश का, मैं चाहूँगा कि आप हमें कुछ गाइडेंस दें, कुछ टिप्स दें, कुछ बताएं
की प्रिपरेशन जब करें एयरफोर्स एग्जाम की, ये बताइए आपने जब यहाँ ज्वाइन किया था, आपने एनडीए का के लिए ज्वाइन किया था या एयरफोर्स के लिए स्पेसिफिकली? एयरफोर्स के लिए 6 मंथ का। शुरू से एयरफोर्स में ही मतलब आप फोकस थे कि एयरफोर्स ज्वाइन करना है? यस सर, टारगेट पहले से, टारगेट क्लियर था आपका? कल से पढ़ रहे थे तभी से मतलब था कि मैं एयरफोर्स में टारगेट क्लियर करना है। कहाँ से मतलब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के बारे में? इन्फॉर्मेशन सर मेरे मामा इलाहाबाद में रहते हैं, ओके, मामा सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। अच्छा, तो सर उन्होंने बताया मतलब उनका कोई फ्रेंड था और उनका भांजा हो गया था, ओके, तो मामा ने इन्फॉर्म किया कि ऐसी ऐसी बात है और उनका भांजा हो गया, तुम भी कर सकते हो। तो सर वहीं से अंदर से मतलब आया कि हाँ हम भी कर सकते हैं। और मेरा पहले से जज्बा था कि डिफेंस ज्वाइन करूं, पर सर हाइट ना होने की वजह से ज्यादा सर आर्मी पा नहीं कर पाया, लेकिन फिर सोचा कि डिफेंस लाइन में नेवी है, एयरफोर्स है, सर ये भी मेरे लिए मतलब इंडियन आर्मी में जो सोल्जर्स की भर्ती होती है उसमें 170 के लगभग हाइट मांगते हैं। यस सर। और आप उसके लिए हाइट वाइज तो एलिजिबल थे नहीं? जी सर। तो आपको मालूम पड़ा अपने मामा जी से जी। कि उनके भांजे का हुआ है भाई? आपके मामा जी के दोस्त? नहीं सर, मामा के दोस्त का। मामा के दोस्त भाई, मैं वही तो मैं कहूँ कि आपके मामा जी के भांजे तो आप खुद हो गए। राइट, ओके। तो आपको वहाँ से मालूम रहा कि एयरफोर्स का एग्जाम होता है एक्स वाई ग्रुप का, तो आपने अटेम्प्ट किया सितंबर में जी। फिर आपको मेजर कल्सी क्लासेस के बारे में कहाँ से पता चला? मेजर कल्सी क्लासेस में कुछ मामा बताया और सर नेट के द्वारा हमने मतलब पता किया कि सबसे एक्सीलेंस कोचिंग कौन से है, तो सर okay. पता चला कि मेजर कल्सी है, तो हमने ज्वाइन कर लिया। ओके okay. तो हाँ, हम बात कर रहे थे आपके एग्जाम की, रिटर्न एग्जाम की, तो मैं चाहूँगा आप कुछ हमें बताएं, कुछ टिप्स दें, कुछ गाइडेंस दें कि पढ़ाई करते हो क्या ध्यान रखें जी सर, किन टॉपिक्स पे फोकस करें। सबसे पहली बात सर मतलब जब हमने मार्च का टारगेट बनाया कि हमें मार्च में ही निकालना है इसको, तो सर यहाँ से हमें बुक प्रोवाइड की जाती है मेजर कल्सी से, और मेजर कल्सी सर मैथ की हमने पूरी 4 या 5 बार उसको लगा दे दी थी, ओके, और सर उससे हमको लगता था कि हाँ इससे जरूर ना कुछ कुछ हमसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और सर उसको मैथ की फिजिक्स हमने लगा डाली और सर उससे क्वेश्चन श्योरली एकदम फंसे थे। और फिर इसके बाद और जो हमने यूपी बोर्ड में हमें कुमार मित्तल की फिजिक्स मिलती है सर, okay. फिजिक्स को सर उसी से हमने पूरा लाइन बाय लाइन दोनों का सर 11th और 12th का पढ़ डाला था, और इंग्लिश की भी बुक है सर मेजर कल्सी प्रोवाइड की थी उससे पढ़े, ओके, ये सर और तैयार उससे काफी अच्छा हो गया था हमारा इस वजह सर उसमें भी, और फिर अगले वाले में भी वही हमने काम किया, ओके, सितंबर वाले में भी। फिर भी सितंबर वाला एग्जाम कैसा हुआ आपका? सर काफी अच्छा गया है वो, पिछले वाले से भी अच्छा गया है। कितना लगता है मार्क्स इस बार बने होंगे? सर हमने 58 क्वेश्चन किए थे, और फिर रूम पर आया तो हमको लगा मतलब 2-3 क्वेश्चन मतलब रॉन्ग हो गए थे थोड़ा जल्दी जल्दी, ओके, तो वही सर हमको रॉन्ग लग रहा है और बाकी सब टोटली बाकी आपको सही लग रहे हैं जी सर। इस बार तो आपका स्कोर बहुत अच्छा बन रहा है सर, काफी अच्छा। चलिए जब रिजल्ट आएगा, जब मार्क्स ये लोग डिस्क्लोज करेंगे, तो होपफुली आपके 50-55 के ऊपर मार्क्स हो। यस सर। तो आपने बताया कि मैथ्स की और जो इंग्लिश का जो स्टडी मटेरियल है जी सर, वो आपने सिर्फ जो मेजर कल्सी क्लासेस की बुक्स हैं आपके जो कोर्स में प्रोवाइड की गई थी आपको, वो आपको सफिशिएंट लगी, एडिक्वेट लगी, आपने उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा जी सर। और आपको लगता है कि एफओएस के एग्जाम में मतलब अगर यही बुक्स को, क्योंकि आपने बताया मैथ्स का आपने सिलेबस 4 बार रिवाइज किया सर, उसको मतलब 4 बार हमने 4 बार आपने पूरी बुक सॉल्व की, प्रैक्टिस सेट सर उसको हमने 4 या 5 बार। दो बुक्स होती है मैथ्स की, यहाँ एक होती है टेक्स्ट बुक, एक प्रैक्टिस सेट होती है। प्रैक्टिस सेट में क्या क्वेश्चन एयर होता है? क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं हर टॉपिक के, हर चैप्टर के, अलग-अलग सर ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, उससे हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है करने से सर। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप, अटेम्प्ट करेंगे, मैथ्स कहता है कि प्रैक्टिस करो हम आएंगे। एग्जैक्टली सर। तो मैथ्स और इंग्लिश में आपको एमकेसी की बुक्स सफिशिएंट लगी और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा आपने? नहीं सर। फिजिक्स में आपने कि आपको क्या लगा कि यहाँ का जो स्टडी मटेरियल था एडुकेट नहीं था सफिशिएंट था, क्या रीजन रहा बाहर की कोई बुक रेफर करने का? ये सर काफी मतलब अच्छी बुक है, क्वेश्चन भी अच्छे दिए हैं, बस थोड़ा सर इसमें जो थियोरेटिकल है मतलब ज्यादा रूप में ज्यादा दिया नहीं गया था, बहुत डिटेल थे, आपको लगा कि यू शुड स्टडी मोर, यू शुड प्रिपेयर मोर, प्रैक्टिस मोर, थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए बाकी बुक्स भी रेफर की बाहर से भी, इसी वजह से यूपी बोर्ड में मिलती है कुमार मित्तल की फिजिक्स, ओके, उसी सर हमने, आई सी। तो आपने पिछली बार भी सेम बुक्स रेफर की, इस बार भी सेम बुक्स से पढ़ाई की, और इस बार आपका एग्जाम और भी अच्छा हुआ जी सर। आप फेज 2 ऑलरेडी एक बार क्लियर कर चुके हैं, आपको 7 नवंबर को लेके कोई टेंशन है अभी इस सर? नहीं कोई टेंशन तो नहीं है, मतलब फ्री है, मतलब जाएंगे आराम से देंगे। रेस की तैयारी कर रहे हैं अभी आप? हाँ सर रेस की चल रही है। कितने मिनट में आप 1600 मीटर भाग लेते हैं? सर उसमें अभी 6:20 चल रहा है, 6:20। चलिए हम क्योंकि आपने लास्ट ईयर लास्ट टाइम भी फेज 2 अटेम्प्ट किया है जी, तो इस बार जो पहली बार बच्चे फेज 2 अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके लिए मैं चाहूँगा कुछ आप गाइडेंस दें कि किन बातों का ध्यान रखें जब वो एएससी पहुंचे फेज 2 के लिए। यस सर, पहली बात तो सर सबसे पहले जाने के बाद हमें मतलब वहाँ रनिंग मिलती है, रनिंग मिलती है, रनिंग में सर सबसे पहली बात है कि हमें मतलब वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए कि हम रनिंग नहीं कर पाएंगे, हमें सर उसमें कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए क्योंकि पहला ही स्टेज वही रनिंग है, और सर रनिंग क्वालिफाई हो जाती है तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस हाई लेवल का हो जाता है right. और इसके बाद सर हमारा पुशअप कराए जाते हैं, स्क्वाट्स होते हैं, ये सब आसान तरीके से सर आसानी से किया जा सकता है,
इसके बाद एडाप्टेबिलिटी टेस्ट 2 आता है सर, उसमें एसआरटी आपके क्वेश्चन होते हैं, मतलब 30 मिनट में 45 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, काफी आसान होता है। यहाँ जो सर कुम सर और सुशील सर मतलब जीडीएसआरटी क्लास लेते हैं वो बताते हैं, उससे काफी मतलब आसान वहाँ क्वेश्चन मिलता है, लेवल काफी आसान रहता है। अगर मेजर कल्सी का बच्चा है तो वो पूरा टोटल का टोटल एकदम 100% स्वेयर कर, ये तो मैंने देखा है कि यहाँ पे मतलब जो बच्चे एक बार रिटन एग्जाम निकाल लेते हैं वो फेज 2 में तो हार्डली कोई छटता है। यस सर। और फिर इसके बाद एसआरटी के क्वेश्चन होते हैं, एक घंटे बाद आपका रिजल्ट दिया जाता है। फिर सर जीडी आती है, जीडी में सबसे पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो सबसे अच्छे तरीके से रखिए, क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज लास्ट इंफॉर्मेशन, यही कहा जाता है। तो सर सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन एक मिनट के लिए आप इसे बोलते हैं, तो एक मिनट में सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन काफी अच्छे तरीके से रखिए कि मतलब वो प्रभावित आप पे हो जाए। और फिर सर उसमें जीडी के टॉपिक के बारे में जीडी का आर्टिकल दिया होता है, उसमें सर 50 या 60 वर्डों में लिखा होता है, आप उसको 5 मिनट रीड करते हैं, इसके बाद आपको मतलब वो ले लिया जाता है। फिर जीडी स्टार्ट होती है सर, उसके बारे में जो आपकी टॉपिक है उसके बारे में 1 या 2 मिनट आपको मतलब बोलना होता है। राइट। और फिर इसके बाद जीडी स्टार्ट होती है सर, जीडी में सबसे अच्छी बात ध्यान रखने की है कि मतलब पहली बार जो सभी लोग होते हैं सर एकदम बोलने लगते हैं, सभी कैंडिडेट 15 या 16 बैठते हैं, सभी लोग एक साथ बोलने लगते हैं, तो ऐसे में सर आप करिए कि मतलब वो कुछ बोलते रहिए और फिर आप इंतजार करिए कि अगला चुप होता है तुरंत हम स्टार्ट करें। exactly. तो सर ऐसे में मतलब जब ही लगे कि ये लोग अब शांत होने वाले हैं, इनकी पॉइंट खत्म है, आप अपनी बुलंद आवाज में सर अपना रखिए, तो अब उससे आप मतलब ऑफिसर पे सर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। और फिर इसके बाद अपनी पॉइंट रखने के बाद आप शांत हो जाइए, ये ना कि मतलब सर बार बार इसमें इंटरफेयर करते रहें, सबको चांस दीजिए, जितने लोग हैं सबको चांस मिलना चाहिए। और सर फिर कम से कम आप 4 या 5 बार उसमें पार्टिसिपेट कर दिए तो सर स्योरली एक मतलब जीडी में आप हो जाएंगे। राइट। तो राजकिरण आपने जो पहले फिजिकल की बात की कि रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस में अपना कॉन्फिडेंस मत लूज करिए, मतलब रेस अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही हाई हो जाता है और आप बाकी जो आपके टेस्ट हैं पीएफटी के हो चाहे एसआरटी जीडी हो उसमें आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो जाता है। और रेस एक ऐसी चीज है जिसमें कोई रिटन एग्जाम तो है नहीं कि भाई कौन सा क्वेश्चन पूछ लेंगे मैथ्स का या फिजिक्स का, आपको क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन है 1600 मीटर 6.5 मिनट में, आपको मतलब ऐसा एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन पेपर पहले से आपके हाथ में है, पहले से पता है कौन सा क्वेश्चन आएगा पीएफटी में। तो 1600 मीटर की रेस जो है, और सरप्राइजिंग बात है कि जो 250-300 बच्चों ग्रुप होते हैं उसमें से 75 लोग 100 लोग रेस नहीं भाग पाते 1600 मीटर में। मतलब प्रिपरेशन नहीं थी भाई, क्वेश्चन आपको बिफोर हैंड पता है एग्जाम से पहले और आप 1600 मीटर की तैयारी करके नहीं आए, तो थोड़ा सा ये सरप्राइजिंग है कि लोग रेस में आउट होते हैं। और ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ टाइम कम दिया गया, टाइम पूरा एग्जैक्ट 6 मिनट 30 सेकंड मिलता है और उसमें अगर कोई नहीं भाग पा रहा तो ये तो भाई इट्स टोटली अप टू द कैंडिडेट, प्रिपरेशन नहीं थी पहले से, वो बिना प्रिपरेशन के आ गए वहाँ पे पीएफटी में। और एक बार आपने रेस क्लियर की, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि जो पीएफटी 2 है स्क्वैट्स पुशअप्स और सिटअप्स, इसमें इनका जो करने का तरीका है जब एयरफोर्स में ये लोग कराते हैं आपसे तो उनका एक सर्टेन बॉडी पोजिशन है, स्ट्रक्चर है जिसमें वो चाहते हैं कि आप करें। पुशअप्स जो होते हैं आप पुशअप्स को कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि भाई ऐसे पुशअप करना है, डेमो मिलता है, उसको आप बहुत ध्यान से देखिए, उनके हाथ कहाँ हैं, कितना गैप है, उनके जो बैक है वो कितना ऊपर उठा हुआ है, उनके पैर उनके बैक हर चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, जैसा उन्होंने दिखाया वैसा ही करिए। आपने बेशक प्रैक्टिस थोड़ी अलग की हो लेकिन वहाँ उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। और दूसरी बात ये कि बेशक 10 पुशअप्स करने होते हैं वहाँ पे लेकिन आप प्रैक्टिस करिए 20 की, क्योंकि जब वो आपको होल्ड करने कहेंगे नीचे या ऊपर आप थक जाएंगे, और अगर आप सिर्फ 10 की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वहाँ नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि आप सिर्फ 20-22 ही प्रैक्टिस करिए, अगर आप 50 प्रैक्टिस कर रहे हैं 100 प्रैक्टिस कर रहे हैं दैट इज़ अननेसेसरी, और उससे नुकसान ये होता है। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि भाई आप लोग की एज जो है अभी 16, 17, 18 साल, आप लोग की हड्डियाँ बहुत मजबूत नहीं है और आप लोग अगर बहुत ज़्यादा पुशअप्स मारेंगे देयर इज़ अ चांस कि आपका एल्बो का जो पोर्शन है, एल्बो जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, आप मेडिकल में छट जाएंगे। तो बहुत ज्यादा उठक बैठक के मैंने अपनी आंखों से ड्रास्टिक इंपैक्ट देखा है। लोग जो 200 250 300 उठक बैठक करते हैं भाई, जब वहां पे 20 उठक बैठक की रिक्वायरमेंट है फेज 2 में तो आप क्यों 250 कर रहे हैं? 250 करेंगे आपके पैर टेढ़े हो गए बताइए, और मेडिकल में छट गए आप, तो इससे ड्रास्टिक क्या होगा भाई? तो पीएफटी जो 2 है उसमें जो पुशअप्स और स्क्वैट्स और सिटअप्स हैं
वहाँ 10 और 20 का रिक्वायरमेंट है, बट आप ठीक है 20 और 30 कर लीजिए, लेकिन ट्राई करिए कि जैसा वहाँ पे रिक्वायरमेंट है वैसा ही आप करें, पोस्चर सही रखें अपना करने का, और कोई बहुत अलग पोस्चर नहीं है उनका, जो पोस्चर है वो आइडियल पोस्चर है, जो एक्चुअल तरीका है पुशअप्स करने का या सिटअप्स करने का, स्क्वाट्स करने का, हम नॉर्मली गलत करते हैं, तो आप सही पोस्चर चेक करिए। हम बहुत जल्द एक्चुअली इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं, एक दो दिन में अपलोड कर देंगे, और आप वैसा ही करिए और प्रिपरेशन के साथ जाइए, ना तो ओवर प्रिपेयर करिए ना अंडर प्रिपेयर करिए। ये बात रही फेज टू के बारे में, और आपने एसआरटी की जैसे बात की कि क्वेश्चंस बड़े नॉर्मल होते हैं, तो बी नॉर्मल जीवन से, मतलब अपने जीवन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल तो बी नॉर्मल बी नेचुरल, ऑनेस्टली आप आंसर करिए। मेरा सजेशन ये होगा कि आपकी जो सोच है उसको ऑर्थोडॉक्स रूढ़ीवादी मत बनाइए, पुराने ख्यालों के, पिछड़े ख्यालों के, डिप्रेसिव ख्यालों के मत बनिए, एक मॉडर्न और मतलब करंट जो कॉन्टेम्प्रेरी जो ये दुनिया है वैसे ही आपकी एक सोच हो, ओपन सोच हो, फ्री सोच हो, सबको फ्रीडम देने वाली सोच हो, किसी के ऊपर बाउंडेशन लगाने वाली सोच ना आपकी, और एक पॉजिटिव सोच हो, एक पॉजिटिव सोच हो, एक मॉडर्न ओपन पॉजिटिव सोच हो, तो कोई इसमें आपको एसआरटी में कोई तकलीफ नहीं आएगी। ऑनेस्टली आंसर करिए, बड़े बेसिक सिंपल क्वेश्चन रहते हैं भाई। और जीडी में जैसा कि आपने कहा, वेट फॉर योर टाइम, जब आपको मौका मिले बोलिए, एक बार में बोलिए, लाउडली बोलिए, क्लियरली बोलिए, बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, एक आध बार में छोटे छोटे पॉइंट ही बोले तो दैट विल बी सफिशियंट। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बहुत सही बात बोली आपने। तो इंट्रोडक्शन इज समथिंग विच यू कैन प्रिपेयर बिफोर हैंड, आपके बारे में आपको जो बताना है वो आप पहले से सोच लीजिए, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, वहाँ जाके आधे मिनट में आपको बस अपना इंट्रो देना है, आपका नाम क्या है, कहाँ से है, जो भी आप बताना चाहें इंट्रो में, डोंट कॉपी इट फ्रॉम समबडी, क्योंकि अगर सब किसी से कॉपी करके आ जाएंगे तो वहाँ सबका इंट्रो सेम साउंड करेगा। तो मेक योर ओन इंट्रो, अपने बारे में जो भी बताना चाहें, अगर आपको अपने बचपन की बात करनी है, अपने टेंथ की बात करनी है, ट्वेल्थ की बात करनी है, आधा एक मिनट बहुत ज़्यादा समय होता नहीं, आप हार्डली 3-4 सेंटेंसेस ही बोल पाएंगे, तो शॉर्ट में अपने बारे में कुछ अच्छा नॉर्मल जेन्युइन बताइए, और इंट्रो ऐसा पार्ट है जो आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट, व्हाई टू लूज दैट अपॉर्चुनिटी, राइट। तो राजकरण आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू फॉर ऑल योर गाइडेंस एंड टिप्स। राजकरण एनी लास्ट मिनट पार्टिंग थॉट्स? सर सबसे पहले सर ये इंफॉर्मेशन, मतलब हमें ये मतलब जागृत हुआ, मतलब हम सबसे पहले जब पढ़ रहे थे तो हमारे टीचर इंग्लिश के थे, ओम प्रकाश नाम है उनका, ओम प्रकाश यादव। कहाँ पे, स्कूल में? सर हाँ सर स्कूल में सर, उन्हीं से सबसे ज्यादा, मतलब जब हम 8th क्लास में थे उनसे हमसे सबसे ज़्यादा इंप्रेशन मिलता था, वो हमको मतलब इंग्लिश उन्हीं की वजह से सर इंग्लिश मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, वो हमें खुद बुलाकर मतलब स्पीकिंग अलग से अपने मतलब अकेले ही हमको सिखाते सर, तो वो काफ़ी अच्छा, और बड़े मामा का हमें मतलब यहाँ तक पहुँचने का सबसे अच्छा, मतलब सर हम अगर श्रेय देना चाहें तो अपने बड़े मामा को देंगे सर, काफ़ी उनसे मतलब हमको सहायता मिली और काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल वो हमेशा हाई रखने के लिए सर बोला करते थे। चलिए राजकरण, बहुत लकी रहे आपको, आपके जो बड़े मामा मिले, आपको गाइड किया हर कदम पे उन्होंने, एक ऐसा कोई गाइड हो लाइफ में, एक मेंटर हो तो बहुत हेल्प मिलती है सर। पूरा परिवार मतलब हमारा ननिहाल का पूरा परिवार सर, पूरा श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहूँ, क्योंकि सर वहीं मैं मतलब रह के पढ़ा हूँ अपने ननिहाल में। राइट, और जहाँ तक आपने अपने टीचर की बात की, इंग्लिश टीचर, क्या नाम था सर का? सर ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव सर, उनको मेरा नमस्कार, हेलो हाय जो भी कहिए, लेकिन ये बात सही है कि कहते हैं कि डॉक्टर्स जो है नॉबलेस प्रोफेशन है, लेकिन टीचर्स डॉक्टर से कम नहीं है। टीचर्स कैन मोल्ड योर लाइफ, दे कैन दे एक्चुअली बिल्ड योर लाइफ, और बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो अच्छे टीचर्स अगर हमें मिले जो अच्छे से गाइड करें, अच्छे से पढ़ाएं, अच्छे सिखाएं, तो व्हाट मोर वी कैन आस्क फॉर। सर उन्हीं की एक लाइन हमको याद आती है, मतलब हमेशा कहा करते थे राजकरण जो भी करो सब कुछ करो, लेकिन सबसे नंबर एक पे तुम्हारी मतलब एजुकेशन होना चाहिए, तब तो तुम अच्छा कर रहे हो, नहीं तो नहीं कुछ कर रहे हो। सर उन्हीं के मतलब हमें इस लाइन को लेके मतलब अपने लाइफ में ही फॉलो करते हैं। बहुत बड़ी बात है, एजुकेशन इज द की टू ह्यूमन डेवलपमेंट, और बिल्कुल जरूरी है सबके लिए, सब लोग एजुकेशन लें इसी एजुकेशन की वजह से। बहुत बढ़िया, चलिए राजकरण कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आपने एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, पीएसएल में आपका नाम है, 10 दिसंबर को आपका नाम एनरोलमेंट लिस्ट में होगा। हम फिर बात करेंगे, मिलेंगे हम, वीडियो चाहे बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन आप मिलेगा मुझसे, और आपको छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं, घर परिवार के साथ मनाइए छठ पूजा आप। अगले साल पता नहीं आप कौन से त्यौहार मना पाएंगे, होली के टाइम पर ट्रेनिंग चल रही होगी आपकी, छठ पूजा भी शायद ना मना पाएं, तो आप धूमधाम से इस बार मनाइए छठ पूजा आप, और आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेनिंग and your career with Indian Air Force. Thank you, sir.